नमस्कार, सभी का स्वागत है। अपना ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है मित्रों। राजस्थान की ज्योग्राफी में अरावली पर्वतमाला का जो भाग है, वर्गीकरण है, वो चल रहा है। अरावली पर्वतमाला में मैंने अब से पहले दो क्लासें ले ली है। पहली क्लास मेरी बेसिक थी और दूसरी क्लास में मैंने कुछ अच्छे कंसेप्ट बताए। आज की अपनी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में देख लेते हैं क्या पढ़ना है अरावली के संबंध में। ये अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां पढ़नी है। कौन सी चोटियां? प्रमुख चोटियां, सारी चोटियां नहीं, प्रमुख चोटियां। अभी हाल ही में हाउसकीपर का जो पेपर हुआ उसमें यहां से प्रश्न पूछा गया, दक्षिणी अरावली की तीन चोटियां लिख दी गई और एक चोटी लिख दी गई उत्तरी अरावली की, और पूछा गया कि निम्न में से कौन सी चोटी है वो दक्षिणी अरावली की नहीं है। और इसी पार्ट से अरावली की चोटियों से अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, तो 15 तारीख के जो पेपर थे उसकी पहली शिफ्ट में और उसकी दूसरी शिफ्ट में दोनों में इन चोटियों से प्रश्न पूछे गए। और अभी हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ तो रीट के लेवल सेकंड में अरावली पर्वतमाला की चोटियों से एक प्रश्न पूछा गया। तो काफी महत्वपूर्ण है, हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में यहाँ से चोटियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े ही मजे से ध्यान से इसको समझना है और अच्छे से रट्टा मारना है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चोटी है वो अच्छे से याद आ जाए, याद रह जाए आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपन लोग दक्षिणी अरावली की चोटी पढ़ते हैं। मैंने बताया कि दक्षिणी अरावली है, ये राजस्थान के चार जिलों से के बीच से गुजरती है। मध्य अरावली एक से और उत्तरी अरावली 5 जिलों के बीच से गुजरती है। मैंने ये भी बताया कि ये दक्षिणी अरावली है, इसके चार जिले कौन कौन से थे। तो नंबर एक सिरोही था। नंबर एक की बात करें तो वो था सिरोही, सिरोही के बीच से गुजर रही है। और नंबर दो मैंने बताया राजसमंद, राजसमंद के बीच से गुजर रही है। नंबर तीन मैंने बताया उदयपुर, उदयपुर के बीच से गुजर रही है। नंबर चार मैंने बताया डूंगरपुर, डूंगरपुर। इन चार दक्षिणी के जिलों से अरावली पर्वतमाला इनके बीच से गुजर रही है, इसलिए इन चार जिलों की जो चोटियां होगी वो दक्षिणी अरावली की चोटी होगी। हालांकि सभी चोटियां इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने हेडिंग डाल दिया है यहाँ प्रमुख चोटियां। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सिरोही में कौन कौन सी चोटी है। तो सिरोही में नंबर एक गुरु शिखर, सभी बच्चों को याद होगा चोटी का नाम क्या, तो बता दीजिएगा गुरु शिखर। और गुरु शिखर के बाद में सिरोही की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की अरावली की सबसे ऊंची चोटी दूसरी, जिसका नाम शेर है, ये भी सिरोही में। और सिरोही में एक तीसरी चोटी की बात करें तो वो है दिलवाड़ा, ये दिलवाड़ा भी सिरोही में है। देखो ये तीन मुख्य क्रम से लगातार, सबसे ऊंची गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, ये क्रम से है तीनों। और जरगा को 3 नंबर पे रखते हैं मित्रों, जरगा 3 नंबर पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चौथे क्रम पे आती है जरगा, 1431 मीटर उसकी ऊंचाई है, जबकि दिलवाड़ा की 1442 है, इसलिए तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है वो दिलवाड़ा है, न कि जरगा है। आगे कंफ्यूज दूर करेंगे आपका। यदि पूछ ले कि गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बता देना 1722 मीटर है। अब काफी स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर 1727 भी बुकों में दे रखा है, तो मित्रों याद रखना यहाँ एक दत्तात्रेय नाम का गुरु है, उसका मंदिर है। तो 1727 जब काउंट होता था ना, उस समय 5 मीटर, 5 मीटर जो दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर है उसकी जो ऊंचाई है ना, वो साथ में ऐड कर दी जाती थी। अब इसको हटा दिया गया है, अब 1722 मीटर ही ऊंचाई याद रखनी है किसकी, गुरु शिखर की। ये ऑथोरिटी का आंकड़े है, तबकि 1727 दिया हो तो उसको थोड़ा सा नकार दीजिएगा, क्योंकि उस मंदिर की जो ऊंचाई है मीटर में 5 मीटर है वो निकाल दी गई है। ठीक है, अब देखिए राजसमंद की कोई चोटी है तो वही दक्षिणी अरावली की चोटी होगी। राजसमंद में कौन सी चोटी है, तो बता देना कुंभलगढ़ है। कौन सी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ की चोटी, कुंभलगढ़ की जो चोटी है ये कितने मीटर ऊंची है। शेर की बात करें तो शेर मित्रों 1597 मीटर ऊंचाई पर है, और यदि दिलवाड़ा की बात करें तो 1442 मीटर ऊंचाई पर है। कुंभलगढ़ की बात करें तो ये 1224 मीटर ऊंची है। ये ऊंचाई और ये चोटियां क्रम से रटनी है ऐसे के ऐसी। यदि बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर वाली तो सबको याद ही है, जरगा, ये जरगा चोटी है। और बात कर ले इसकी ऊंचाई की, तो ये 1431 मीटर ऊंची है, 1431। डूंगरपुर में कोई चोटी नहीं है, इसलिए डूंगरपुर वाले को कोई चोटी अपन लोगों को पढ़नी नहीं है। अब हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया है हाउस कीपर में कि निम्न में से कौन सी है दक्षिणी अरावली की चोटी नहीं है। इनमें से मित्रों तीन चोटियां थी,
एक चोटी इनमें से नहीं थी जो उत्तरी अरावली की थी, वो दे दी घुसे घुसा दी गई बीच में। तो जो बीच वाली है इन दक्षिणी अरावली वाली याद कर लो, ये अपने आप ही कट जाएगी। तो हाल ही के एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो आप भी इसका रट्टा मार ले। देखो कितना आसान है, सिरोही में तीन है, गुरु गुरु शिखर है, शेर है दिलवाड़ा है, गुरु शिखर है शेर है दिलवाड़ा है। और राजसमंद में तो कुंभलगढ़ का किला है, इसलिए कुंभलगढ़ की चोटी एक ही है। उदयपुर में जरगा चोटी एक ही है, डूंगरपुर का याद नहीं रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये याद हो जाएगा, और याद करना ही है मित्रों, ऐसे ही ऊंचाई के साथ ही याद करना है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछे गया, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अभी यदि बात करें मध्य अरावली की चोटी की, तो मध्य अरावली की जगह नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। ये लो अब मध्य अरावली की चोटियां उनको रट लेते हैं। मध्य अरावली और मध्य अरावली की चोटियां जो एग्जामों में बार बार पूछी जाती है, मैंने बताया कि मध्य अरावली में एक ही जिला है, और इस एक जिले का नाम क्या तो बता देना अजमेर, ये सभी को पता है। उस समय अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था इसको, तो ये मध्य अरावली का जिला है मित्रों। और अजमेर में जो चोटियों की बात करें, तो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है टोटगढ़ है, टोटगढ़। और दूसरे नंबर पे आएगी तारागढ़ पहाड़ी, और तीसरे नंबर पे आएगी मित्रों नाग पहाड़ी। ये तीन पहाड़ियां हैं, ये तीन चोटियां हैं, ये मध्य अरावली की है। तीनों को अच्छे से रट्टा मार लेना, अच्छे से रटना है। काफी बार बच्चे पूछते हैं कि सर मध्य अरावली की चोटी है वो सबसे ऊंची तारागढ़ है, तारागढ़ नहीं है मित्रों, टोटगढ़ है। टोटगढ़ की ऊंचाई है वो 933 पॉइंट कुछ मीटर है, और तारागढ़ है इसकी तो 873 मीटर है, और काफी बुके इसको 876 भी लिखती है, तो कंफ्यूज में न फंसे, 873 लगभग सही मानते हैं सारे इतिहासकार, ज्योग्राफर जो भूगोलवेत्ता है वो 873 सही मान रहे हैं। और नागपाड़ी की पूछ ले तो इसकी 795 मीटर ऊंची है ये तीनों की ऊंचाई है। ये मध्य अरावली की तीन चोटियां हैं, एक नंबर टोटगढ़ है, दो नंबर तारागढ़ है, तीन नंबर नागपाड़ी है। अब ये जो तारागढ़ और नागपाड़ है इनके बीच में मित्रों 1137 में अन्नोराज, जब अन्ना जी इस अजमेर चौहानों का राजा था, उसमें तुर्की आक्रमण हुआ, और तुर्की आक्रमण ने 1137 में तुर्कों का नरसंहार करके, और इस नागपाड़ की चोटी से निकाली गई थी चंद्रा नदी, और स्थानीय लोगों के सहयोग से वो बदबू मारने वाला जो लोगों का नरसंहार हुआ था उनकी सिपाही की थी, तो अनासागर झील का निर्माण भी इन तारागढ़ और नागपाड़ के बीच में। थोड़ा सा बता देता हूँ या समझा देता हूँ, ये बीच में अजमेर है, और अजमेर की दो पहाड़ियां हैं, ये एक पहाड़ी है और दूसरी पहाड़ी का नाम ये है। एक इस पहाड़ी का नाम क्या है तो बता देना तारागढ़ है, और इस पहाड़ी का नाम पूछ ले क्या है तो बता देना नागपाड़ है, ये नागपाड़ी है। अब क्या हुआ, इस तारागढ़ और नागपाड़ी तुर्की आक्रमण हो रहा है किस पे, अजमेर पे, और अजमेर में कौन है, चौहान राजा है। चौहान राजा का नाम क्या तो बता देना अन्नाजी, अन्नाजी या अर्णोराज। कहते हैं विद्रोह की यहाँ बीच में दोनों पहाड़ियों के बीच में तुर्की आक्रमण हुआ, तो तुर्की सेना को रौंद दिया गया अन्नाजी के द्वारा, काट दिए गए लोगों को, और कहते हैं कि जब काट दिया गया तो वो लोगों के शवों से लाशों से उन बहे हुए खून से ना दोनों पहाड़ियों के बीच का स्थान है वो बदबू मारने लग गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से कहते हैं कि 1137 में, 1137 में अन्नाराज यानी अन्नाजी ने इस नागपाड़ से यहाँ से चंद्रा नदी निकाली। कौन सी नदी, चंद्रा नदी निकाली, जिसको वर्तमान में लूनी नदी कहते हैं। कौन सी नदी, लूनी नदी। और इस पानी को साफ करके 1137 में अनासागर झील का निर्माण करवा दिया। किस झील का, अनासागर झील का निर्माण करवा दिया किसने, अनोजी ने, अन्नाजी या अर्णोजी, अना सागर झील का निर्माण करवाया किसने, अन्नाजी ने, अन्नाजी ने करवाया। किन किन पहाड़ियों के बीच में तो बता देना तारागढ़ और नाग पहाड़ियों के बीच में। ये जब चौहान पड़ेंगे उस समय मैं डिटेल से इतिहास में बताऊंगा इसको। ये भयंकर वाला युद्ध होता है, यहाँ तुर्की आक्रमण हुआ है 1137 में, अन्नाजी अर्णोराज यहाँ का राजा है, उसमें इन दोनों पहाड़ियों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, और जो लोगों को काटा गया और जो लाशें थी वो बदबू मारने लग गई। तो कहते हैं 1137 में स्थानीय लोगों के सहयोग से नागपाड़ से चंद्रा नदी को निकाल करके, जिसको वर्तमान में लूनी कहते हैं, अनासागर झील का निर्माण करवा दिया गया। अब ये मध्य अरावली की तीन चोटियां मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अब अपन चलते हैं किस पे,
ये उत्तरी अरावली की चोटियों पे। उत्तरी अरावली में मैंने कहा कि पांच जिलों के बीच से गुजर रही है, तो पांच जिले कौन कौन से है पहले तो ये याद करें, पांच जिलों की बात करें कौन कौन से है तो बता देना। जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग के जिलों की बात करें तो इसमें में एक तो जयपुर हो जाएगा और एक हो जाएगा दौसा, एक हो जाएगा अलवर, एक हो जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू और एक हो जाएगा सीकर, सीकर। अब देखो ये जो पांच जिले हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच, इन पांच जिलों की जो चोटी होगी वो उत्तरी अरावली की चोटी होगी। जयपुर की चोटियों की बात करें कौन कौन सी है तो फिर बता देना। जयपुर में कौन सी चोटी है तो बता देना। जयपुर में चोटी है जयगढ़ चोटी, जयपुर की चोटी है जयगढ़ की चोटी। जयपुर की दूसरी चोटी है नारगढ़ की चोटी। पूछ ले तीसरी चोटी, तो तीसरी चोटी का नाम है खो नागोरियन, खो नागोरियन, खो नागोरियन। पूछ ले चौथी चोटी तो फिर बता देना बेराट, बेराट की पहाड़ी। ये जो चोटियां हैं ये जयपुर की मुख्य चोटियां हैं, जिनमें से उत्तरी अरावली की ये जो दो चोटियां हैं जयगढ़ और नारगढ़, ये काफी बार एग्जामिनर ने पूछी है। इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 648 मीटर है मित्रों, और नारगढ़ की पूछ ले तो इसकी 599 मीटर ऊंचाई है। और पूछ ले दौसा की चोटियां हमें याद नहीं करनी है, इसमें कोई मुख्य चोटी नहीं है। यदि पूछ ले अलवर तो अलवर की एक चोटी है जिसका नाम क्या तो बता देना भेराज, भेराज। और दूसरी कोई पूछ ले तो एक चोटी है बिलाली, भेराज, एक चोटी है बिलाली, एक चोटी है भानगढ़, भानगढ़, भानगढ़ की चोटी भी कहाँ है तो बता देना अलवर में है भानगढ़। ये जो भानगढ़ की चोटी है इसकी ऊंचाई है वो 649 मीटर है, बिलाली है इसकी ऊंचाई है 555 मीटर है। इनकी भी ऊंचाई बहुत बार एग्जामिनर ने पूछी है। और पूछ ले झुंझुनू में कोई चोटी है क्या तो बता देना यस है। झुंझुनू में कौन सी चोटी है तो बता देना बबाई की, बबाई की पहाड़ी है ये यहाँ झुंझुनू में। और सुख सिकर में पूछ ले तो सिकर का तो आपको पता ही है मित्रों, सिकर में है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी। और ये जो रघुनाथगढ़ की चोटी या पहाड़ी है इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 1055 मीटर है। ये मुख्य रूप से उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, इनको भी अच्छे से रट लेना। मैंने कहा जयपुर की चोटियां पूछेगा तो जयपुर से जैसे जयगढ़, नारगढ़, खो नागोरियन और विराट, ये चार मुख्य उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। इनकी ऊंचाई भी दोनों की याद रखनी है, एग्जामिनर ने पूछी है 648 मीटर और 599। ये मैच कराने वाले आरपीएससी ने पूछा था, आरपीएससी ने शायद फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा है इसको, इधर इधर से मैच करवाने ज्योग्राफी के पेपर में। और फिर अलवर में बेराज, बिलाली और भानगढ़। ये बिलाली चोटी है, इसको एग्जामिनर ने काफी बार पूछा है बिलाली कहाँ है, बेराज कहाँ है, इनको बहुत बार पूछा है। बिलाली की ऊंचाई याद रखे 755 मीटर। और ये झुंझुनू वाली ये तो हर बार ही पूछा पूछी जाती है, एक तो बेराज और एक बाबाई, इनको बार बार एग्जामिनर ने पूछा ही है। तो बाबाई कहाँ है, झुंझुनू में है। पूछ ले सीकर में तो ये फेमस चोटी रघुनाथगढ़ की है, कितनी ऊंचाई है 1055 मीटर, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। उम्मीद करता हूँ कि ये चोटियों वाला मीटर भी समझ में आ गया होगा। एक बार के लिए यदि आप कहो तो मैं और रिवाइज करवा देता हूँ इसको और फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि प्रमुख चोटियाँ पढ़ रहे हैं, प्रमुख चोटियों में ये दक्षिणी अरावली की चोटियाँ होगी, मध्य अरावली की चोटियों को मैंने जस्ट आगे बताया है। ये मध्य अरावली की चोटियाँ हैं, टोटगढ़ है, तारागढ़ है, नागपहाड़ है। इन तीन चोटियों को अच्छे से रट्टा मार लो। और फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया, मैंने ये उत्तरी अरावली की चोटियां भी आपको बताई है। उत्तरी अरावली में पांच जिले हैं, जिलों के बीच से उत्तरी अरावली गुजर रही है। जयपुर की ये चार पहाड़ियां हैं, और अलवर में बेराज है, झुंझुनू में ये बाबाई है, और पूछ ले सीकर में रघुनाथगढ़ है। अब आगे बढ़े, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमें पढ़ना है अरावली की तुलना करनी है। अरावली की तुलना किससे करेंगे, अरावली की तुलना, अरावली की तुलना करके देखते हैं कि क्या अरावली के समकालीन कोई
और भी ऐसी कोई पर्वत श्रृंखलाएं है? यदि है तो कौन सी है? क्या इसके समान कोई वाद्य यंत्र भी है इनकी आकृति के अनुसार? क्या कोई अंग से भी इसकी तुलना की गई है? तो फिर आपका उत्तर आएगा यस, ऐसा है। तो ऐसा क्या है? सबसे पहले पूछ ले कि अरावली की तुलना कर रहे हैं मित्रों किस पर्वत से करेंगे? तो बता देना अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत के समान है। अरावली पर्वतमाला किस पर्वत के समान है? तो बता देना अपलेशियन पर्वत के समान है। और ये पूछ ले अपलेशियन पर्वत कहाँ है? तो फिर आपका उत्तर मित्रों क्या होगा? तो बता देना यूएसए, अमेरिका में है, यूएसए में है। पूछ ले किस वाद्य यंत्र के समान ये अरावली पर्वतमाला है? तो फिर बता देना तत्ववाद्य यंत्र के, तत्व वाद्य यंत्र। और तत्ववाद्य यंत्र में भी पूछ ले किसके समान? तो फिर बता देना तानपुरा। कौन सा तानपुरा? तानपुरा किसे कहते हैं पता है? मेरा भाई ने बजाया ना तानपुरा यानी तंदूरा, तंदूरे के समान। किसके समान बता देना? तंदूरे के समान। तानपुरे का मतलब तंदूरे के समान, वो सत्संग वगैरह में, जागरण वगैरह में बजाते हैं ना ऐसे तंदूरे वाला, वो तार वाला, तंदूरे के समान। और फिर पूछ ले किस अंग से इसकी तुलना की गई है? तो मित्रों याद रखे ये अपने जो कान की आकृति है ना, कर्णवत, ऐसी ऐसी आकृति है इसकी। तो ये किसे तुलनात्मक रूप से? कर्णवत है ये, इसकी आकृति कैसी है? कर्णवत यानी कान के कर्ण के समान है। पूछ ले अरावली पर्वतमाला है कि गर्भ में क्या है? अरावली पर्वतमाला ये काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है। इसके गर्भ में मित्रों बता देना कवाट, जाइट, चट्टाने हैं। ये कवाट, जाइट, चट्टान है, इससे इसका निर्माण हुआ है। और पूछ ले कि कवाट, जाइट, चट्टान है, इसमें इसका निर्माण किससे हुआ है? तो बता देना इसमें तीन तत्व है। कितने तत्व है? तीन तत्व। और पूछ ले वो तीन तत्व कौन कौन से है? जैसे शरीर की संरचना है वो पांच तत्वों से मिलकर बनी है, वैसे कवाट, जाइट, चट्टान है, इनकी यदि पूछ ले कि इनका निर्माण किससे हुआ है? तो बता देना तीन तत्वों से हुआ है। तीन तत्वों से। वो तीन तत्व कौन कौन से है? तो उसमें एक तो है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और पूछ ले दूसरा, तो दूसरा बता देना है सिस्ट, दूसरा है सिस्ट। और तीसरा पूछ ले, यदि इसको अपना अलग से पढ़े ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कैथोलिक है, पैथोलिक है, वो सारे बताने पड़ेंगे मेरे को। अब इससे तो काम बनने वाला है नहीं। तो एक बार के लिए आप इतना ही याद रख ले कि अरावली पर्वतमाला है, इसको हटा देता हूं मैं, अरावली पर्वतमाला है, इसके गर्भ गर्भ में क्या है? तो बता देना कवाट, जाइट, चट्टान है। ये कवाट, जाइट, चट्टाने हैं, इनसे इनका निर्माण हुआ है। ये लो पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किस पर्वत से की गई है? तो बता देना अपलेशियन पर्वत से। कहाँ है? यूएसए में। किस वाद्य यंत्र के समान है ये? तो बता देना तानपुरा के समान है। किस अंग के समान है? तो बता देना कर्णवत है, कान के समान है। और इसके अरावली के गर्भ में क्या है? गर्भ गर्भ में क्या है इसके? तो बता देना कवाट, जाइट, चट्टाने हैं, इनसे यह निर्मित है। फिर आगे बढ़े। और यदि आपसे ये पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला है उससे पहले भी क्या कोई पर्वतमाला थी? तो आपका उत्तर आएगा यस थी, यस थी। क्या था? अरावली पर्वतमाला से पहले कौन सी कोई पर्वतमाला थी? तो आप बता दीजिएगा यस थी सर। कौन सी थी? तो बता देना दिल्ली समूह की चट्टाने थी। कौन सी? दिल्ली समूह की। यह अरावली से भी प्राचीन है। तो पूछ ले कि दिल्ली समूह की चट्टाने, इनकी इनका दर्शन कहाँ होता है? वर्तमान में यह कहाँ देखी जा सकती है? यह दिल्ली समूह की चट्टान तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन इनके अवशेष अब भी कहीं पड़े हैं, कहाँ देखी जा सकती है? तो बता देना टोंक और सवाई माधोपुर में। कहाँ? टोंक और सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में, टोंक, टोंक और सवाई माधोपुर में। ये अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया है, और जो थर्ड ग्रेड हुई थी मित्रों उसमें भी ये पूछा गया था कि दिल्ली समूह की चट्टाने हैं वो कहाँ देखी जाती है? तो बता देना टोंक और सवाई माधोपुर में पूछी जाती है। अरावली पर्वतमाला से पहले भी क्या दिल्ली समूह की कोई चट्टान थी? ऐसे पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला से पहले भी कोई पर्वतमाला थी क्या यहाँ? तो बता देना यस थी। कौन सी थी? दिल्ली समूह की थी। कब थी ये? कब की है? कब की पूछे? तो बता देना ये थी मित्रों 70 करोड़ वर्ष पहले, 70 करोड़ वर्ष पहले थी। तो फिर पूछ ले कि अरावली कब की है? अरावली क्या? अरावली इससे भी पहले की नहीं, इसके बाद की है? तो अरावली
अरावली पूछ ले तो ये 40 करोड़ वर्ष पहले की है, 40 करोड़ वर्ष पहले की। और ये पूछ ले बेली समय की चट्टानें, तो बता देना 70 करोड़ वर्ष पहले की है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लो अरावली पर्वतमाला की चोटियां। आरोही क्रम अवरोही क्रम हर बार पूछा गया इन चोटियां का, हर बार। ऐसे तो मित्रों याद नहीं रहेगी, मुझे तो याद है, मैंने तो रट्टा मार के इनको रट्टा रट रखा है, लेकिन आपको सीधा याद नहीं रहेगा। इसलिए एक ये फेमस ट्रिक है, लगभग टीचर इनका प्रयोग करते, मैंने भी आपके लिए ये ट्रिक यहाँ लिखी है, तो मैं समझाता हूँ ये ट्रिक क्या है। ये ट्रिक ये है कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, तारा भैरू बाबा। गुरु से मेरे पीछे पीछे बोली, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, तारा भैरू बाबा। मतलब हम अपन लोग जो ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, गुरु से जरा आशा रखो, ऐसे उससे तो आशा रखो, इसका मतलब जरगा आ रही है तीसरे नंबर पे, तो गलत हो जाएगा मित्रों। ये एकदम सही क्रम है इसका, गुरु से दिल लगा कर जरा आशा को बनाए रखो, तारा भैरू बाबा। ये क्रम से है, इसको अच्छे से रट लेना। इस गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है गुरु शिखर, गुरु गुरु का मतलब गुरु शिखर। और से का, ये जो से है, इस से का मतलब है शेर चोटी। कौन सी? शेर। और इस दिल का मतलब क्या है? बता देना, दिलवाड़ा है। इस दिल दिल का मतलब क्या है? दिलवाड़ा है। इस दिल का मतलब है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा। और लगाकर का कोई मतलब नहीं है। इस जरा का मतलब है जरगा, जरगा चोटी। और आशा का मतलब क्या है? तो बता देना, अचलगढ़ की चोटी। इस को का मतलब क्या है? बता देना, कुंभलगढ़ चोटी। राजसमंद में है कुंभलगढ़ की चोटी, अभी पढ़ के आए। बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। इस रखो का मतलब क्या है? बता देना, रघुनाथगढ़। रे का मतलब क्या है? रघुनाथगढ़। और पूछ ले इस खे का मतलब क्या है? तो इस खे का मतलब है खो नागोरियन, खो नागोरियन, ये खो नागोरियन है। और इस तारा का मतलब क्या है? तो बता देना, तारागढ़। ये तारागढ़ की चोटी है, तारागढ़। और पूछ ले इस भैरू का मतलब क्या है? तो बता देना, ये बैराज चोटी है। कौन सी? बैराज। पूछ ले इस बाबा का मतलब क्या है? तो बता देना, बब्बई की चोटी है, बब्बई की चोटी। बब्बई, बबई नहीं है ये, बबई नहीं है ये, बबाई है, बबाई, बबाई। सही लिख देता हूं मैं। ये एक बे का मतलब बबाई चोटी, और दूसरे बे का मतलब क्या है? तो बता देना, ये है बेराट चोटी, बेराट की चोटी। ये मित्रों इसका सही क्रम है। पूछ ले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एक नंबर पे आएगी गुरु शिखर, 2 नंबर पे आएगी शेर, 3 नंबर पे आएगी दिलवाड़ा, 4 नंबर पे आएगी जरगा, 5 नंबर पे आएगी अचलगढ़, और 6 नंबर पे आएगी कौन सी? कुंभलगढ़। 7 नंबर पे आएगी रघुनाथगढ़। 8 नंबर पे आएगी खो नागोरियन, ये 8 नंबर पे आएगी। 9 नंबर पे आएगी तारागढ़। और 10 नंबर पे आएगी कौन सी? तो बता देना, बैराज। और फिर 11 नंबर पे आएगी बबई, और फिर 12 नंबर पे आएगी बैराट। मित्रों कोई भी एग्जामिनर यदि प्रश्न पूछेगा आरोही अवरोही क्रम से, तो वो मित्रों कितना पूछेगा? वो पूछेगा 3 का, और अधिकतम पूछे तो वो 4 का पूछ सकते हैं, 3 का पूछते हैं, और 3 के बाद में यदि वो पूछे तो अधिकतम वो 5 का पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। इसलिए मैंने तो यहाँ 12 बता दी है, 12 को अच्छे से रट्टा मार लेना। गुरु शिखर सिरोही में है, शेर सिरोही में है, दिलवाड़ा सिरोही में है। ये पहले वाली 3 चोटियां मित्रों सिरोही में है। कहाँ है? पहले वाले 3 चोटियां सिरोही में है। पूछ ले जरगा कहाँ है? तो जरगा मित्रों उदयपुर में है, जरगा उदयपुर में है। पूछ ले अचलगढ़ कहाँ है? तो अचलगढ़ भी सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही में है। पूछ ले कुंभलगढ़ कहाँ है? तो ये कुंभलगढ़ की चोटी है, ये राजसमंद में है, राजसमंद में। पूछ ले ये रघुनाथगढ़ कहाँ है? तो रघुनाथगढ़ मित्रों शिखर में है, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं है। और पूछ ले
ये खो नागोरियन कहाँ है, तो खो नागोरियन मित्रों जयपुर में है, ये जयपुर में है। पूछ ले तारागढ़ कहाँ है, तो ये अजमेर में है, तारागढ़ की चोटी अजमेर में है। पूछ ले बेराज कहाँ है, तो ये बेराज अलवर में है, बेराज अलवर में है। ये बबई पूछ ले, बबई ये झुंझुनू में है बबई, और ये बेराट कहाँ है, तो ये जयपुर में है। ये 12 चोटियां है मित्रों, इन 12 चोटियों से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछता है एग्जामिनर, अगर पूछता है तो फिर वो दूसरा प्रश्न बनेगा उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां और दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। तो ये जो बढ़िया सा ट्रिक था, वीडियो को बीच में रोक के अच्छे से इस ट्रिक को लिख के और 2 बार वीडियो देख के अच्छे से इन चोटियों को रट लेना, हर एग्जाम में चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपके ओवरऑल सभी एग्जामों में काम आने वाला है ये अरावली वाला पार्ट, और ये ट्रिक अच्छे से रट लेना। एक तो ये और एक पीछे वाला, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। इस क्लास में इतना ही, यदि क्लास अच्छी लग रही है मित्रों और मेरा पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आ रहा है तो अच्छे कमेंट भी कर दिया करो। अरे देखने से ज़्यादा आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो मैं और अच्छी मेहनत करूँगा और लगातार 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कमेंट जितने आएंगे उससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी डाल दिया करो। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।